संघ का अध्यक्ष हूं, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी पे 0 से 5%, कपड़े पे 0 से 5%, लेकिन मकान वो मकान बनाने की सामग्री पर 18 से 28%। विक्ट्रीफाइड टाइल्स, लेटिन की सीट, ये विलासिता की वस्तु नहीं। सीमेंट और सीमेंट से उत्पादित वस्तु, पेवर ब्लॉक वगैरह जो सड़क के किनारे लगते हैं, दिल्ली में भी लग रहे, इंदौर में भी लग रहे, उनपे भी 18% और 28% सीमेंट पे, कुल मिला के 46% टैक्स। और ऊपर से अफोर्डेबल हाउस, 125 करोड़ लोगों को 35 करोड़ घरों की जरूरत है। कितने लोगों को है ये आपको मालूम है? 2,67,000 रुपए की प्रधानमंत्री सब्सिडी एक हाथ से दे रहे हैं, और 46% टैक्स और 12% रजिस्ट्री और सब्सिडी देने वाले अफसर के 2-5% मिला के 65% हमसे ले रहे हैं। 35 करोड़ लोगों को घर का अंदेशा, कैसे उनका घर है? सर, दूसरी मेरी व्यथा है कि मैं व्यापारी हूं, 3.5 करोड़ लोग जीएसटी के पोर्टल पर हैं, 1.5 करोड़ लोग अनरजिस्टर्ड पोर्टल पर हैं, कुल 9 करोड़ व्यापारी देश के 135 करोड़ लोगों तक अपना उत्पाद पहुंचाते हैं, फेरी के जरिए, सेल्समैन के जरिए, अपने अपने विभिन्न उत्पादों के शॉर्ट करिए, लेकिन व्यापारी बेचारा है सर। आधी रात को जीएसटी का जब घोषणा हुई तो ऐसा लगा कि व्यापारी को चैन होगा, लेकिन जब जीएसटी आया तो व्यापारी बेचैन हो गए। सर, इसलिए कि अर्थ को स्वस्थ करने के लिए जो नीति सरकार ने लागू करी कि जीएसटी आएगा, सब दूर के टैक्स खत्म हो गए, लेकिन व्यापारी को जैसे ही बिगड़ तैयारी से अमल करके लाए हैं, डिजिटल नेटवर्क की सुविधा के बगैर जब 37 रिटर्न उसको भरना पड़ा और जब पेनल्टी पे पेनल्टी उसकी लगी, तो सर उस व्यापारी को ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। ऐसी व्यवस्था से क्या फायदा जिससे देश बीमार हो जाए और अर्थस्वतंत्र हो जाए? सर, नोटबंदी ने देश को, देश के व्यापारी के, सर आखिरी बात सर, प्लीज हमारी बात सुनना पड़ेगी आपकी, हमेशा देश, नोटबंदी ने देश के व्यापारियों को कैशलेस कर दिया और जीएसटी ने बेसलेस कर दिया। मध्यम व्यापारी, मध्यम वर्ग मर गया सर। अगर भगवान अगली बार हमसे पूछेगा तुम्हें क्या बनना है, तो हम ये बोलेंगे व्यापारी कभी मत बनाना, कुछ भी बना देना, और अगर व्यापारी बनाए तो मेहुल चौकसी बनाना, दिलीप मोदी बनाना, ताकि 1,000 करोड़ रुपए लूट के सरकारी